विधानसभा से सपा प्रत्याशी संजय लाठर ने किया नामांकन। माठ विधानसभा से सपा RLD गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाठर ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा सरकार के द्वारा कोई विकास नहीं कराया गया है। अखिलेश सरकार बनने पर हमारे द्वारा माठ विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया करवाएंगे एवं पीने का पानी गंगाजल मिलेगा एवं तमाम सुविधाएं स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र वासियों को अखिलेश सरकार बनने पर दी जाएंगी। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के तौर पर माठ विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव में भाजपा का सफाया करने जा रहा है। माठ के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले भी मैं लगातार 10 साल में MLC के तौर पर भी हारने के बाद भी लगातार मैंने माठ का विकास का काम कराया, लेकिन जो 8 साल से यहां काबिज 8 बार से जो यहां काबिज थे उन्होंने माठ की सबसे पिछड़ी तहसील बना दिया। माठ में क्या विकास हुआ? माठ में जो बिजली घर हैं, माठ में जो सड़कें हैं, माठ में जो कट हैं, और माठ में मैंने सरकार में इंडस्ट्रियल एरिया मंजूर कराया था राया में और माठ के क्षेत्र में और बाजना में, लेकिन भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी नोएडा की तरह, ग्रेटर नोएडा की तरह बाजना में और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा और पीने का पानी जिस तरह गंगा का जल लाया गया है वृंदावन, मथुरा और आगरा में, उसी तरह माठ में, क्योंकि फ्लोराइड है, खारा पानी की समस्या है, हर गांव में नल के द्वारा गंगा जल के पी जल की व्यवस्था की जाएगी। पहले बिजली की समस्या समाधान किया था, अब खेत के पानी की और पेयजल की व्यवस्था का समाधान किया। आपने नामांकन किया, योगेश नोभार भी नामांकन कर चुके हैं गठबंधन प्रत्याशी आपके। हमारे भाई योगेश नोभार को पहले टिकट हुआ था पार्टी, उन्होंने नामांकन किया, पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर मैंने अब नामांकन किया है। तो वो विड्रॉ करेंगे? वो तो पार्टी का फैसला सभी के लिए मान्य होता है, अगर हमारे लिए मान्य हो गया, अगर हमारे लिए कह दिया गया कि आप विड्रॉ करें, हमने भी करना पड़ेगा, उन्होंने भी करना पड़ेगा। ठीक।